हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो जैसा कि इंडिया की इनिंग्स अभी कंप्लीट हुई हैं, इंडिया की तरफ से एक अच्छा टोटल देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लखनऊ की पिच है, बॉलिंग को ज्यादा फेवर देगी और बैटिंग को इतनी फेवर नहीं देगी। लेकिन कुछ चीजें मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। जिस स्टार्ट में रोहित शर्मा ने आकर अटैक किया तो वाकई वो तो हमेशा से अटैक करते हैं, और शुभमन गिल को जिस तरह से टाइम मिलता है लेकिन वो जिस तरह के आउट हुए हैं क्रिस वॉक्स की बॉल पे, तो वाकई वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि वो रीड नहीं कर पाए उनको। उसके बाद जैसा कि विराट कोहली है, विराट कोहली ने भी इस दफा एक गलत काम किया कि वो उनको सेट होने का टाइम भी मिल सकता था, वो सेट हो सकते थे इजीली, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि वो पहले आते हैं, वो तकरीबन सेट होने में 10-15 मिनट लेते हैं, कुछ डॉट बॉल्स भी खेलते हैं लेकिन बाद में वो उनका जवाब अपने बल्ले से देते हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने निकल के शॉट खेला, एक गलत शॉट खेल के वो आउट हो गए। खैर कोई बात नहीं, विराट कोहली हमेशा से हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इंसान का कभी हो जाता है कि वो कभी नहीं परफॉर्म कर पाता। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है मुझे वो श्रेयस अय्यर से, कि उनको क्या जरूरत होती है हमेशा से पुल शॉट खेलने की और वो पुल शॉट पे आउट हो जाते हैं। जब उनकी जरूरत पड़ी आज इंडियन टीम को तो उन्होंने बिल्कुल अपना हाथ छुड़ा लिया और वो आराम से चले गए। क्या जरूरत थी भाई आपको पुल शॉट खेलने की, जब आपसे खेलना नहीं जाता तो आप क्यों खेलते हैं? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी आपने यही किया, ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे आपने पुल शॉट मारा और डेविन कॉनवे को आपने लेग पे कैच पकड़ा दिया। आज फिर भाई आप उसको छोड़ दें, आप क्यों आप उसे खेल रहे हैं? जब आपकी जरूरत थी टीम को, आपको चाहिए था आप उस बारी को रोहित शर्मा के साथ लेके चलते, लेकिन आपने नहीं किया। अगर आप वो उस टाइम थोड़ा सा स्लो खेल लेते, रोहित शर्मा जैसा वर्ल्ड नंबर वन कैप्टन मेरे ख्याल से आपके साथ खड़े हैं, तो आप क्यों आप हिट कर रहे हैं? रोहित शर्मा हिट करना जानते हैं, आप उनको करने देते। लेकिन आज रोहित शर्मा ने कैप्टन इनिंग्स अपनी खेल के दिखाई और वाकई उन्होंने बताया कि इस तरह से खेलते हैं और इस तरह से स्कोर को थोड़ा लेके चलते हैं। जबकि सब जानते हैं रोहित शर्मा तेज खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने टीम के लिए थोड़ा स्लो भी खेला बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। 87 स्कोर्स की एक अच्छी इनिंग्स रोहित शर्मा की जानिब से हमें देखने को मिली। उसके बाद केएल राहुल है, वो भी इस तरह आउट हो गए। फिर जडेजा का एक बड़ा, यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, एम्पायर्स कॉल ही होना होता तो ये टेक्नोलॉजीज किस चीज की है? ठीक है, जडेजा भी आज उसी तरह से आउट हुए हैं, कोई समझ से बाहर है बाद में आके। और एक बड़ी हैरान कुन चीज देखने को मिली, जैसा कि मैं बात कर रहा था कल भी वीडियो में, मैंने आपको इस चीज से आगाह किया कि सूर्या कुमार यादव बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमें उनको देखना है कि उनका टेस्ट होगा इसमें, इस मैच में, कि वो किस तरह से खेलते हैं, आगे परफॉर्म करते हैं। तो वाकई लाजवाब खेला उन्होंने, उनको जिस तरह की इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, जिस तरह उनको आगे अपनी बारी को लेकर चलना चाहिए तो वो आगे उसी तरह से लेके चले। 49 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी और काबिले दीद इनिंग्स उन्होंने खेली है, जिस वजह से इंडिया अभी तो ये मैच चल रहा है, अभी आप समझ लें कि इंडिया 229 के करीब है, तो ये बस इनिंग्स खत्म हो गए, लास्ट बॉल है जो मुझे इस टाइम नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक टोटल तो जो इंडिया की बॉलिंग है ये एक्साइजेबल टोटल भी हो सकता है, अगर इंडिया इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलता है। बॉलर्स अपनी जान मारते हैं, फील्डिंग में आपको जान मारनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से भी ये मैच देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसके इनिंग्स के बाद भी, इंग्लैंड की इनिंग्स के बाद भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा या लाइव जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रिमेंबर द नेम हिस्ट्री फॉर द वेस्ट इंडीज।